ओके जैसे कि ये खस्तापुरी है, इसको अपने दही में डीप किया, दही में डीप करके इसको प्लेट में रखा। ओके सर, ये सेव है, ये है मलबारी सेव। मलबारी सेव, ये मलबारी सेव है, इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं होता। हाँ। एकदम कोरा सेव रहता। ओके एकदम कोरा है, एकदम कोरा, एकदम मस्त मुलायम रहता है सेव। सर ये अपना दिल्ली चाट है। हाँ ये दिल्ली चाट का खस्तापुरी है, खस्तापुरी है। हाँ, मतलब ये मैदा का बनता है। ओके जैसे कि ये खस्तापुरी है, इसको अपन ने दही में डीप किया, दही में डीप करके इसको प्लेट में रखा। ओके ऐसे करके छह प्लेट को अलग अलग बाउल में, मतलब एक प्लेट में दो खस्ता खस्ता चाट नहीं खस्ता है? आता है। ठीक है, इस तरह बना के। हाँ। पूरा दही देखिए आप, पूरा मतलब वो पूरा चिपका हुआ है, पूरा दही में वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता होगा, वो पूरा दही के अंदर पूरा पापड़ी पूरा होना चाहिए। बताओ दिल्ली चाट खाने में आपको मजा नहीं आएगा। हाँ। ये आलू को दिल्ली चाट के ऊपर अपन डालते हैं। ये सिंपल आलू होता है? सिंपल आलू होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता। ये आलू को हम लोग वो काटते हैं या तो फिर उसको क्रश करते हैं। ओके। ये हमने इसको आलू को पूरा क्रश किया हुआ है, यानी आपको ये बूंदी है। हाँ? ये बूंदी को भी दिल्ली चाट के अंदर ही गिरता है। ओके। इसके अंदर तीखा बूंदी या बिना तीखा बूंदी दोनों अपन डाल सकते हैं। ओके। लाल चाट मसाला है। हाँ? ये लाल चाट मसाला, इसके अंदर हम लोग 3-4 जात के मसाले मिक्स करके डालते हैं। मतलब ये आप खुद घर पर बनाते हो? ये खुद हमारा। हाँ। खुद का बना हुआ है, स्पेशल होगा, स्पेशल है इसका। आपको खाने के बाद आप जब तक खाओगे। हाँ। तब तक आपको बहुत मजा आएगा। ओके। आपको तीखा चाहिए तो इसका खाने के बाद आपको तीखापन ज्यादा लगता है। सही बात है, इसको तीखा खाना है। फिर ये सब नमक डाल दें, थोड़ा थोड़ा नमक डाल दें, और डाल दें खट्टा मीठा चाट मसाला। ये दूसरा चाट मसाला है। कौन सा चाट मसाला? कैरी मसाला डाल के उसके अंदर दो तीन और मसाले मिक्स करके चाट मसाले में भी दूसरे मसाले मिक्स हुए मिक्स होते हैं। हाँ। इससे टेस्ट काफी बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ। आपको खट्टा मीठे का टेस्ट आएगा। ठीक हाँ। है सर। हाँ। इसके अंदर लाल मिर्च, कौन सी चटनी है ये? लहसुन का चटनी है। लाल मिर्च पिसा हुआ, नक्खा मिर्ची। हाँ। ये दोनों मिक्स करके इसका लहसुन का चटनी बनाते हैं। ओके। लहसुन भी डालते हैं इसके अंदर। सर हाँ, ये ज्यादा स्पाइसी होती है या मीडियम? ये स्पाइसी रहता है थोड़ा। हाँ। कि भाई जो कस्टमर आता है। हाँ। कि भाई तीखा खाना है, ये उसके लिए ज्यादा है भाई। ये कौन सी चटनी है? ये हरा चटनी है, धनिया हरा मिर्ची। हाँ, धनिया मिर्ची की, धनिया मिर्ची ग्रीन चटनी। हाँ। उन सबका मिक्स करके ये चटनी बनाते है। हाँ। इसके अंदर भी थोड़े बहुत मसाले रहते हैं। ओके। क्योंकि इसके अंदर भी खट्टा मीठा आदू आदू आता है इसके अंदर थोड़ा। चाट इनके बिना अधूरी है। चाट इनके बिना और ये चटनी है, ये मीठा है, खजूर अमली का। खजूर अमली का। ये पहले मैं दादा करते थे। ओके। इसके बाद मैं पप्पा ने धंधा चालू करा। हाँ। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ओके। ये मीठा चटनी है, और मीठा चटनी के अंदर भी ये हम लोग इमली का नहीं बनाते। ओके। ये हम लोग कैरी का बनाते, आंबुली का, कैरी का बनाते। इसमें इमली नहीं होती, इसके अंदर इमली नहीं होती। ये कैरी का अलग, खजूर का बनता है, कैरी और खजूर का। ये जो चटनी आता है इस। हाँ। सबको शरीर को कोई नुकसान नहीं करता। अब क्या आएगा? अब इसके बाद दोबारा दही आएगा भाई, मतलब और दही आएगा। अब ये दिल्ली चाट उसी तरह बनेगा भाई। जब तक इसका दही का टेस्ट नहीं आएगा। हाँ। तब तक कोई मतलब नहीं आएगा इसका। ये हमारा दुकान यहाँ पे है, और ये ओनियन प्याज,
ये प्याज है, ये प्याज इसके ऊपर थोड़ा दो सर्व करते हैं, क्योंकि प्याज बिना कुछ भी कोई भी चाट में मजा नहीं आया। प्याज कोई भी चीज हर चीज में डलता है। ठीक है सर, ये सेव है, ये है मलबारी सेव। मलबारी सेव, ये मलबारी सेव है, इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं होता, एकदम कोरा सेव रहता है। ओके, एकदम कोरा है, एकदम कोरा, एकदम मस्त मुलायम रहता है सेव। जितना सेव रहेगा उतना इसका टेस्ट बजा रहेगा। और ये मेरी दुकान का नाम है बोनी दिल्ली चाट। क्या बोला आपने? बोनी 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 दिल्ली चाट दुकान है। ओके, रेस कोर्स जीबी के सामने। और इतना जुला खुलाओ ना करेंगे।